महावीर, इनफैक्ट किसी का हेल्थ कवर अगर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से काफी नहीं लगता है तो उसे अपग्रेड करने के क्या तरीके हैं? बिल्कुल, पहले तो अगर आप 35 या 40 साल के नीचे के उम्र के हैं तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि आपकी आप हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड की जाए। दो तरीके हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस को अपग्रेड करने के। एक है कि रिन्यूअल के टाइम पे आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी को या आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र को अप्रोच करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आपका कवर आपको बढ़ाना है। उसका सिंपल आपको एक शायद फॉर्म भरना पड़े और रिवाइज प्रीमियम जो एडिशनल प्रीमियम होगा आपका, ऑब्वियसली बिकॉज आपका कवर बढ़ेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, वो करके आपका कवर बढ़ सकता है। दूसरा तरीका है आप टॉपअप खरीदिए। तो ये सुपर टॉपअप करके मार्केट में एक प्लान मिलता है, वो अगर आप प्लान खरीदते हैं तो आपका वो एक टाइप का बैकअप प्लान क्रिएट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका 5 लाख का कवर आपके पास ऑलरेडी है जी। आप एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा आप कवर ले सकते हैं, लेट्स से 15 लाख का, तो अगर आप ये टोटल 20 लाख कवर बना सकते हैं इसको अगर आप चाहते हैं सुपर टॉपअप के जरिए से। जनरली अगर आप 30 साल के हैं और आप 15 लाख, लेट्स से 5 लाख से आप 15 लाख पे अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसका प्रीमियम बहुत ही किफायती होता है। अराउंड 2000 to 3000 रुपीज में आपका ये 5 लाख का कवर 15 लाख का बन सकता है। महावीर, कईयों के पास मल्टीपल पॉलिसीज होती है, उसको क्लेम करने का क्या तरीका है? राइट, तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि अगर आपके पास दोनों पॉलिसी है और दोनों में कैशलेस अवेलेबल है तो आप हॉस्पिटल के पास अप्रोच करके उनको दोनों पॉलिसी के डिटेल्स दे सकते हैं और वो आपका 1 by 1 एक करके आपके पॉलिसी का क्लेम्स वो प्रोसेस करेंगे। आप चूज कर सकते हैं आपको कौन से पॉलिसी में पहले क्लेम करना है और फिर दूसरे पॉलिसी में कितना क्लेम करना है। आप उसको बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको, लेट्स से आपके पास एक कंपनी की पॉलिसी है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की पॉलिसी आप पहले यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल को बोल सकते हैं कि मेरे पास दूसरी पॉलिसी है वो भी कैशलेस है, आप इसको अभी प्रोसेस कीजिए। हॉस्पिटल 1 by 1 उसको प्रोसेस करता है। लेट्स से अगर कैशलेस नहीं है तो फिर उसमें आपको थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा। उसमें ये होगा कि आपको पहले पॉलिसी की पहले क्लेम कंप्लीट करनी होगी, सबमिट करके सारे पेपर्स जो होते हैं और हॉस्पिटल के पेपर्स, क्लेम फॉर्म्स, वो सब सबमिट करके कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही वो क्लेम सेटल हो जाता है वैसे ही आपको जो क्लेम सेटलमेंट का एक स्टेटमेंट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से और हॉस्पिटल के सारे जो पेपर्स है और एडिशनल बिल्स है जो आपको क्लेम नहीं कर पाए आप, वो सब आपको एक साथ जुड़ा के आपको उसको इंश्योरेंस कंपनी को, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना है। तो फिर वो दूसरा इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्लेम को, जो बाकी का पैसा है आपका जो आपको क्लेम करना चाहते हैं, वो आपकी दूसरी कंपनी फिर आपको सेटल करके देगी। इनफैक्ट कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कंपनियां 24 घंटे से कम समय तक भर्ती होने पर क्लेम देती है? तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को, कि आपको 24 घंटे ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटल में रहना क्लेम करने के लिए। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है और ट्रीटमेंट्स है जो आजकल बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस बहुत कम टाइम लगती है। जैसे आप एंजियोप्लास्टी ले सकते हैं या अपेंडिक्स का ऑपरेशन ले सकते हैं या कैटरेक्ट का ऑपरेशन ले सकते हैं, ये सारे आपको 24 आवर्स से कम में हो सकते हैं। तो अभी इंश्योरेंस कंपनीज इन डिजीजेस को भी कवर करती है, बहुत सालों से अभी कवर करती है और इसको डे केयर प्रोसीजर्स कहा जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स में आपको एक लिस्ट दी जाती है, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ होती है वो लिस्ट। मानिए 150 से 180 डिजीजेस इसमें कवर होती है जो 24 आवर्स से कम जिसको ट्रीटमेंट लगता है। जब भी आपको ये लगे कि आपकी 24 आवर्स से कम वाली हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी या आपके एडवाइजर को कांटेक्ट करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो कवर है कि नहीं है। तो उस तरीके से आपको लेस देन 24 आवर्स की भी क्लेम्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आजकल ऑर्गन डोनर को लेकर भी आ रहा है। एक तो जानना चाहेंगे ऑर्गन डोनर कवर क्या होता है, क्योंकि आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट काफी ज्यादा आम हो गया है। राइट, सो बेसिकली अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और बेसिकली काफ़ी सारी अभी जो बीमारियां अलग टाइप की होने लगी है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे आपने कहा वो बहुत ज़्यादा अभी कॉमन हो गया है, तो उसका खर्चा 2 लाख से लेके 25 लाख तक का खर्चा होता है। इसमें 2 सर्जरी होती है ऑब्वियसली, एक सर्जरी जो होती है जो इंश्योर्ड की होती है, जो खुद की आपकी होती है, और एक दूसरी सर्जरी जो होती है वो डोनर की होती है। तो इंटरेस्टिंगली ये है कि अभी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है उसमें से मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज आपको ऑर्गन डोनर कवर भी देती है। उसका मतलब ये है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो आपका ऑर्गन डोनर है,
उसकी सर्जरी भी कवर हो जाती है आपकी पॉलिसी में, तो आपकी पॉलिसी में वो जितना भी उनका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है हो जाता है। इसमें दो चीज कवर नहीं होती है, एक स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस कवर नहीं होते जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका ऑर्गन कंपैटिबल है कि नहीं, उनका ऑर्गन कंपैटिबल है कि नहीं, और प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होता। इसको छोड़ के जनरली सर्जरी का कॉस्ट जो होता है वो आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच महावीर चोपड़ा हमारे साथ आज इस हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।